अस्पताल में प्रधानमंत्री केयर फंड द्वारा प्रदत्त 500 लीटर LPM ऑक्सीजन संयंत्र लोकार्पण हुआ और इस प्लांट में एक मिनट में 500 लीटर ऑक्सीजन निर्मित होगी, जिससे सिविल अस्पताल में मरीजों को जरूरत के समय ऑक्सीजन उपलब्ध होगी। इस कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष माधव दास अग्रवाल, विधायक ठाकुर दास नागवंशी, जिला दिशा निगरानी समिति सदस्य भारत सरकार अरविंद राय, SDM नितिन टाले, तहसीलदार राजेश बोरासी, CMO विनोद प्रजापति, पूर्व जिला अध्यक्ष संपत मुदड़ा, साथ ही जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष श्रीमती ललिता पूर्बिया, हरिशंकर जायसवाल पिपरिया, जनपद अध्यक्ष श्रीमती अर्चना अनिल साहू, श्रीमती ममता नागवंशी, जिला उपाध्यक्ष गोपाल दास दुर्रानी, नगर कार्यालय मंत्री निश्चय जायसवाल और राजीव जायसवाल और साथ ही में प्रतिनिधि एवं सभी अस्पताल अधिकारीगण एवं नागरिक उपस्थित रहे। यहाँ पिपरिया नगर की सेवा की है। मैं सम्मानी SDOP साहब से निवेदन करता हूँ, यदि आप यहाँ पर हैं तो आप आए और सम्मानी। हम अपने शब्दों से उनकी सराहना नहीं करते, जिन्होंने खुद की जान की चिंता न की हो और दूसरों की जान बचाने में न धन न समय न तन देखा हो, मैं उनका ते दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और हमेशा हम ऋणी रहेंगे उन लोगों। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि बिस्तर पर वॉइस ऑफ राइट्स की पिपरिया से पंकज पाल की रिपोर्ट।